विगत 77 सालों से विगत 77 सालों से क्षत्रिय युवक संघ क्षत्रिय समाज के अंदर छात्र धर्म को पालन करवाने के लिए और छात्र हित जो भी क्षत्रिय संस्कार जो हैं उनको समाज में विद्यमान करने के लिए कार्यरत है। और आदिकाल से कोई भी युग हो, चार युग, त्रेता, द्वापर, कोई सा भी युग हो, उसके अंदर सत्य और सत्य को स्थापित करने के लिए यदि किसी भी जाति का वर्णन होता है तो क्षत्रिय जाति का वर्णन होता है कि जिसने हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। और कोई सा भी युग हो उसके अंदर क्षत्रिय ने ही समाज को बचा के रखने की कोशिश करी। उत्तरोत्तर काल के अंदर जब देश आजाद होने लगा और आजाद होने के बाद कुछ समय पहले ही जब समाज के विभिन्न वर्गों ने अपना अपना समाज के अंदर दायित्व बनाने का अपना अपना पक्ष रखने की जब जानकारी करी तब ऐसा लगा कि एक क्षत्रिय जाति कहीं अपने कर्मों से दूर ना हो जाए, अपने गुणों से दूर ना हो जाए। इसलिए 1944 के अंदर एक देव दुर्लभ व्यक्ति जो इस समाज के अंदर आए 20 साल की उम्र में, जिन्होंने 77 साल बाद होने वाली उनके जन्म शताब्दी वर्ष में होने वाली विसंगतियों को जिन लोगों ने जिस व्यक्ति ने पहचान लिया था, ऐसे पूज्य तन सिंह जी ने 77 साल पहले इस बात को अपने मन में ग्रहण कर लिया था कि निरंतर इस समय के अंदर, इस कालखंड के अंदर किसी जाति, किसी वर्ग, किसी का अगर किसी का दोहन होने वाला है, किसी के संस्कारों के साथ, किसी के सम्मान के साथ यदि के ठेस पहुंचाने वाले हैं तो क्षत्रिय कुल से होगा। इसलिए क्षत्रिय युवक संघ का जन्म हुआ। और क्षत्रिय युवक संघ का मूल जो उद्देश्य है वो मात्र छात्रोचित जो हमारा जो छात्र धर्म है और जो हमारे जो संस्कार है उनका संग्रहण करके हमारे समाज के अंदर उसको यथावत उसी स्थान पर रखना और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छात्र गुण को पुनः पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य रहा। जैसा कि आप सबको विदित है कि विगत 77 सालों से क्षत्रिय युवक संघ अपने कार्य प्रणाली के साथ इस प्रकार का कार्य कर रहा है, ज्योत से ज्योत जलाने की, व्यक्ति से व्यक्ति व्यक्तित्व का निर्माण करने की परंपराओं में जूझ रहा है। और उनका एक पद्धति है, क्योंकि जीवन में आप ये मान के चलिए कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज का निर्माण होगा तो अगर उसके साथ पद्धति होगी, उसके साथ संस्कार होंगे तभी उसका निर्माण होगा। क्षत्रिय युवक संघ की एक पद्धति रही है जिसके अंदर हमेशा से क्षत्रिय युवक संघ का यह उद्देश्य रहा है कि वे किस प्रकार से एक सुव्यवस्थित रूप से छात्र धर्म की पालना करने के लिए क्षत्रिय को तैयार करें। बहुत ज्यादा ना बोल के मैं विषय क्षत्रिय युवक संघ के बारे में आपको ज्यादा बताने की मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हीरक जयंती समारोह जब इस प्रांगण में 2021 22 दिसंबर 2021 को जब क्षत्रिय युवक संघ अपने 75 वर्ष मना रहा था तब इसी प्रांगण से बहुत सारे मेरे नवयुवक साथी क्षत्रिय युवक संघ के संपर्क में भी आए थे। और जैसा कि आप सबको विदित है कि इस वर्ष अगले वर्ष 2024 के अंदर पूज्य तन सिंह जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी मनाई जा रही है। हीरक जयंती में जिस प्रकार से समाज के लोगों ने क्षत्रिय युवक संघ के साथ खड़े होकर इस बात का एहसास दिलाया कि पूरा समाज संगठित है और छात्र धर्म क्या होता है उसका समाज को एक परिचय दिया, किस प्रकार से संयमित रूप से, डिसिप्लिन रूप से लोग इकट्ठे हुए, ना कोई मांग, ना कोई किसी प्रकार का कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, सिर्फ अपनी सामूहिक एकता दिखाकर और छात्र से धर्म निभाते हुए छात्र की क्षत्रिय की क्या परिभाषा होती है कि संयमित, नियमित और उस प्रकार का जो उन्होंने जो एक परिचय दिया उससे बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो क्षत्रिय युवक संघ संपर्क में नहीं थे उन लोगों का भी सहयोग आकर क्षत्रिय युवक संघ के बहुत बड़ी शाखा बनाने की बात करी। तो आगामी
28 जनवरी सन 2024 पूज्य धन सिंह जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है सतीय लोकसभा। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम दिल्ली, भारत के सभी प्रदेशों में क्षत्रिय समाज के रहने वाले लोगों का एक सम्मेलन, और वहां पर भी कोई किसी राजनीतिक रूप से क्षत्रिय लोक संघ का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमारे समाज की एकता का प्रदर्शित हो, समाज एक व्यक्ति एक 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 संगठन के अंदर एक संगठन के निमित्त हो, इसलिए इस प्रकार का, और जितने संगठन उसमें हैं सभी उसमें जो भी समाज के लिए काम करते हैं सभी समाहित हैं। उस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हीरक जयंती समारोह में अजमेर से लोगों ने अपने अपने सहयोग कर अपने अपने जिस प्रकार से गिलहरी ने लंका के ऊपर जब श्री राम जी जब चढ़ाई चढ़ने जा रहे थे तब गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था और वो अमर हुई थी, उसी प्रकार से उस हीरक जयंती समारोह में प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना कुछ ना कुछ अपना सहयोग करके उस जयंती को मनाया। आशा करते हैं कि आगामी जो 25 तारीख को वैसे सम्मेलन 25 तारीख को होना है, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष 25 जनवरी को आता है जन्मदिन, किंतु 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट होता है, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, इसलिए इस उनको हमारे को कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली। दिल्ली के अंदर 144 की धारा भी होती है कि 4-5 जनों से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते, इसलिए 28 तारीख को ये अनुमति मिली। इसमें भी वही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वयं के विवेक से उस कार्यक्रम में पहुंचने की कोशिश करें और सामूहिक रूप से जो व्यवस्था करें उसके अंदर अपना सहयोग कर उसमें जाने की अपनी सहभागिता करें। अभी नियमित समय से काम इसमें चल रहा है, पिछले 6 महीने से काम चल रहा है, जैसलमेर से 3 ट्रेनें अभी ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, चित्तौड़गढ़ से 1 ट्रेन बुक हो गई है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा से 1 ट्रेन लोगों ने पूरी की स्पेशल ट्रेन जिसे कहते हैं वो बुक करी है, क्योंकि अजमेर दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए यहाँ से भी कुछ इस प्रकार का अभी कुछ लोग बैठकर इस कार्यक्रम के पश्चात, क्योंकि आज पहले दुर्गादास जी की जयंती है तो पहले वो मनाई जाएगी, है तो विषय परिचय का क्रमबद्ध है, इसलिए मैंने आपको विषय आपके क्या मतलब सामने पेश प्रस्तुत किया है। आगामी 28 तारीख जो कि जाति समाज की दिशा तय करने वाला है और अपने छात्र धर्म की पालन करते हुए किस प्रकार से हमने इस देश के निर्माण में हमारा जो सहयोग रहा है उसकी एक पुनर्जागृति हम लोग करने वाले हैं। जहां तक आज दुर्गादास जयंती मनाने का प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय लोक संघ ने विगत 10 साल से इस प्रकार का एक बीड़ा उठा रखा है कि जितने भी हमारे पुराने कालखंड में इतिहास में महापुरुष हुए हैं उनका स्मरण करके उनके बारे में चर्चा करके उनके गुणों को पुनः पुनर्स्थापित कैसे किया जाए इस बात की प्रस्तावना रखकर इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। उसी के निमित्त आज दुर्गादास जी की जयंती है और